नमस्ते एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। महाराष्ट्र में एक जगह है, यहाँ से करीबन 240 किलोमीटर दूर है, 240-250 किलोमीटर दूर है मैं जहाँ रहता हूँ, महाराष्ट्र का कोल्हापुर एरिया में। बहुत मजे करने वाले हैं हम लोग। मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के तरफ से, मैं पर्सनली नहीं जा रहा हूँ, लेकिन स्नेहा आज नहीं जा रही है, मैं अकेला होगा। तो गाइस देखिए, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, एंड तक देखते रहिएगा। और जिन्होंने अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, काइंडली वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र में स्थित तरकाली, मालवन और सुनामी आइलैंड। होते होते ये कैंपस में हूँ अभी मैं, कैंपस से बाहर जाके एक मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग मीट करेंगे सब लोग। अब ये मीटिंग पॉइंट पे पहुँच के सबसे पहले अपने आर्ट टीचर से मिला। ये देखो, ये कहाँ जा रहे हैं मैम? तरकाली सर, एंजॉय करना है। ठीक है, मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपका अलग बस है ना? यस, हमारे अलग बस है, लेडीज के इनके अलग बस है, हम लोग का अलग बस है, तो 3 बसेस जा रहे हैं टोटल। तो जब तक सब लोग आते हैं, स्कूल का तरफ से ये कॉफ़ी इंतज़ाम करके रखे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ। सभी टीचर्स एक एक करके आ रहे हैं अभी। टाइमिंग है 4:30 की, आप 5 मिनट लेट है, 3 मिनट लेट है। कोई बात नहीं। आपका कौन सा बस है सर? नंबर 1। और इधर हमारे रेस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल सर, डिप्टी वाइस प्रिंसिपल सर और कोऑर्डिनेटर्स टीचर्स को स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ताकि रास्ते में हम लोग को परेशानी ना हो, अगर भूख भी लगे, अगर कुछ बस में कुछ खाने का मन करे तो हम लोग खा सके। ये एक नंबर होगा, एक पहला रुका हुआ है, ये दूसरा। हेलो, तू भी जाएगा क्या? ये देखो भाग गया। और हमारे म्यूजिक टीचर, हाय गुड मॉर्निंग। मैं अपने सीट पे बैठ गया हूँ बस की, देखते हैं क्या दिया है पैकेट में। अच्छा, ये 2 केक का पैकेट है, वाओ। और ये 2 गुड्डे बिस्किट का पैकेट साथ में, और क्या है, हाँ ये चनाचूर का पैकेट एक है, और ये चिक्की का 2 पैकेट, वाओ नाइस। और ये पानी का 2 बोतल। ये हमारे कोऑर्डिनेटर महादेव सर काफ़ी बारीकी से एक एक करके सब लोग आए कि नहीं चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कोई छूट ना जाए पीछे। सुबह का 5:00 बजे हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ है। ये हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स काफ़ी शांत सुशील शुरुआत में बैठे हुए हैं, सभी काफ़ी शांत लग रहे हैं, लेकिन इसके आगे की कहानी मैं अभी फटाफट आपको दिखाता हूँ। न तेरे आने खुशी न तेरे जाने का गम, वो किस्सा ही खत्म जब हम दीवाने तेरे थे हम। मेरे साई देवा तेरे सब नाम लेवा, खुदा इंसान साई सभी तुझको हजारे सब राजी। तो अभी सूरज उग चुका है, यहाँ पे अभी हम लोग है एक पहाड़ी एरिया में। पूछा तो पता लगा कि ये राधा नगरी एरिया है, कोल्हापुर से राधा नगरी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, 50 किलोमीटर ओनली। राधा नगरी एरिया में है अभी। आई जस्ट हैड हॉट चॉकलेट टुडे। हाय
रास्ते जो है तो पहाड़ी एरिया का जो रास्ते हैं वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी राधा नगरी क्रॉस करके आके आगे थोड़ा सा हम लोग स्टे कर रहे हैं, थोड़ा देर रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा सबको फ्रेश होने का मौका भी मिल जाएगा। इस जगह का नाम है फोंडा। और भी बसेस है जो और आ रहे हैं पीछे पीछे, ये देखिए और एक बस आ गया इधर, और एक बस आ रहा है इधर से। हेलो सर, वीडियो? यस सर। रुके नहीं ये बस, शायद आगे रुकेगा, यहाँ पे रुकने का जगह थोड़ा सा कम है इसीलिए हो सकता है आगे जाके रुके ये लोग। ओए ओ तुम एक घंटा आसा नहीं? अच्छा ये बंदा ये भी आसाम से है, ये। हेलो बिस्सा तुम्हें कौन जगह, ये कौन जगह आसाम का? मो कोमो दुलियाजान तल्लो नगरी, आसाम दुलियाजान, ये आसाम दुलियाजान का है तल्लो नगरी। क्या पाटिल सर, नमस्ते सर। अब बस छोड़ने का टाइम हो गया, फटाफट जल्दी से बस में चढ़ जाता हूँ जाके, अभी निकलता है। अब ये देखो मस्ती मूड सबका फिर से ऑन। So, ऐसे ही मस्ती करते करते हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने की जगह में पहुंच चुके हैं। अब ये जो एरिया है ये कंकावली एरिया हम लोग पहुंच चुका है। कंकावली जो मेन टाउन है यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। अभी यहाँ पे जो होटल है यहाँ पे हम लोग रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। सो कोल्हापुर से कंकावली का डिस्टेंस अराउंड 120 किलोमीटर जैसा होगा। सब लोग ब्रेकफास्ट करने उतर गए अभी गाड़ी से, इधर जाएंगे, इधर। ये है होटल नीलम्स कंट्री साइड, तो ये एकदम रास्ते के किनारे में ही है, हाईवे के किनारे में ही है। अभी हम लोग का जो ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम है तो स्कूल ने हम लोग के लिए नीचे वाले एरिया बुक करके रखे हैं पहले से ही। सो अभी सब लोग आ रहे हैं, ये देखिए पूरा इंतज़ाम करके रखे हैं पहले से ही। तो फटाफट अंदर जाते हैं और अंदर जाके फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, भूख लगा है। ये बुफे सिस्टम करके रखा है यहाँ पे, और ब्रेकफास्ट में है दाल और ये पूरी और चाय। तो मैंने भी अपना प्लेट में थोड़ा पूरी सब्जी और चाय ले लिया, और थोड़ा बाहर जाके खाएंगे, अंदर में नहीं खाते हैं, थोड़ा बाहर बैठ के खाएंगे सोचा। ये अभी बाकी के 2 बसेस भी आके पहुँच चुके हैं, ये सारे टीचर्स ये आ रहे हैं एक एक करके। ब्रेकफास्ट के लिए अंदर वाला हॉल खचाखच भरा हुआ है, अभी पूरा हाउसफुल है, ये सारे टीचर्स अभी लग रहा है सब सो के आए बस पे, सबका आँख आलू होके फूला हुआ है। आपने कितना लिया? 3 से हो जाएगा? 4 5 6 3 ही लिया मैंने। चालू ही है? अयो हम रेडी हो रहे हैं, रुको जरा रुको। आप नहीं करोगे ब्रेकफास्ट? क्यों? आई फॉलो ओनली डाइट बहुत तेल है। ये देखो हम तेल निकालने का तरीका, मैम तेल निकाल रहा है अभी। या इससे और एक पूरी बन जाएगा। सी चलो बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय, सी यू लेटर। मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अभी वापस ऊपर आ गए, बाकी लोग ऑलरेडी आके पहुंच गए, बाकी लोग 2 बसेस जो थे। सो थोड़ा वेट कर लेते ऊपर। एक्शन। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या? थोड़ा टाइम पास के साथ मस्ती भी हो गया। मैम ब्रेकफास्ट डन? यस सर, डन, वेरी नाइस। नीचे जाके देखता हूँ वापस बाकी लोग का क्या सिचुएशन है। ना सबका ब्रेकफास्ट हो गया इतना जल्दी? आप लोग अभी भी हो जैसे छोड़ के गया था? टेस्ट बहुत अच्छा लगा इसलिए और एक बार ले लिया। दिस इज नॉट बैड।
ओ सर नमस्कार नमस्कार अपना बोल ना खबर मु एकदम फटाफटी एकदम तमाम। अरे ये मैम दोनों तो इधर ही बैठ गए प्लेट लेके। अब ये लो, ये मैम ने मुझे पकड़ लिया, फोटो खींचना है इनका। और इधर अर्चना मैम फोटो के लिए लोकेशन खोज रहे हैं यहाँ पे। आप बारी है ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो। अरे रुको राव सर, आइए। आ रहा हूँ। आप बारी है ग्रुप फोटो की, सब लोग ग्रुप फोटो लेंगे एक साथ। सबका ब्रेकफास्ट डन, अभी जर्नी स्टार्ट करने का वापस टाइम हो गया है। क्या है सर? ये है कोकम। जब ये एकदम पूरा लाल पक जाता है तो उसके बाद इसका शरबत बनता है। इसमें दो वैरायटी है, इसमें शुगर डाल के मीठा भी बना सकता है, उसका खट्टा भी बना सकता है। गुड फॉर डाइजेशन। यूजुअली कोकम यहाँ पे सब एरिया में यूज करते हैं। उसका बाद में आपका कोकम शरबत भी बनता है। और उसका और क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कोकम शरबत। कोकम शरबत, यस। बस बढ़िया। ठीक है, पकने के बाद नीचे गिर जाते हैं वो। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। ये अच्छा इन्फॉर्मेशन था। ये सर एक बार दीजिए। अरे लिखिए, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छा था। कोकम, यहाँ से कोकम, इसको कोकम बोलता है। तो यहाँ से शरबत बनता है इससे। जो सोल कड़ी बनाते हैं उसकी बनाते हैं। सोल कड़ी जो मैच में सोल कड़ी खाते हैं ना, वो उसकी बनाते हैं। अच्छा, इसी से। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और हर प्रकार के मेडिसिन के लिए भी इसका बहुत यूज होता है। अच्छा, इसको कम, ये तो कच्चा है लेकिन। तो ये क्या इसी एरिया में पाया जाता है क्या? यस यस, हियर ओनली। और यहाँ से फिर बाकी की जगह जाए। सोल कड़ी आपको मालूम है? हाँ, सोल कड़ी भी यूज होता है मोस्टली, आई थिंक सो। चलो थैंक यू सर। अभी हम लोग पहुँच गए हैं कसाल। सो कसाल कंकावली से 15-16 किलोमीटर डिस्टेंस में है, 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस में कसाल आ जाते हैं कंकावली से। तो अभी हम लोग कसाल में है, राइट? कसाल। तो कसाल से और कितना दूर? अभी 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर यहां से लगेगा? ज़्यादा होगा, 34 किलोमीटर। सो अभी यहां से और 34 किलोमीटर है, कसाल से 34 किलोमीटर डिस्टेंस में है हम लोग जहाँ जा रहे हैं, मालवन। ये मार्केट टाइप एरिया है तो रास्ता थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये कसाल एरिया पार होने का बाद वापस हम लोग हाईवे पकड़ेंगे। लग रहा है फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मालवन। सो यहाँ पे दूर में ये दिख रहा है, बहुत सारे स्कूबा डाइविंग के छोटे छोटे दुकान दिख रहे हैं यहाँ पे। सो स्कूबा डाइविंग के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो पहले उतर लेते हैं बस से, उसका बाद जानते हैं। ये देखिए एक छोटा सा एक दुकान है यहाँ पे, स्कूबा डाइविंग बुकिंग क्या क्या लिखा हुआ है, फिर देखते हैं। वापस पहले उतर लेते हैं बस से, फिर आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। तो वीडियो इन तक देखते रहिएगा। तो जो बसेस है यहीं पे पार्क कर दिया गया है, और यहाँ से हम लोग देखने जाएंगे सिंधु दुर्ग, जो कि एक फोर्ट है, मतलब किला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला बनाया था समंदर के तट पर, ताकि जो दुश्मन है वो समंदर के तरफ से हमला ना कर पाए, उन पे नज़र रखने के लिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को ये छोटे छोटे जो नाव है, जो बोट है, ये बोट पकड़ के हम लोग को जाना पड़ेगा उस पार। हेलो, वेलकम टू सिंधु दुर्ग। ये गवर्नमेंट बीच है क्या? वहाँ से गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, ये लोग प्राइवेट में ऐसे अंदर लेके जाते हैं सब कुछ। अच्छा, वहाँ से गवर्नमेंट से? सर ये प्रॉपर मालवन में ही है कि तारकाराली, कौन सा है ये? ये सिंधुदुर्ग फोर्ट है मालवन में। अच्छा, मालवन में सिंधुदुर्ग फोर्ट। हाँ, और तारकाराली यहाँ से दूर? तारकाराली यहाँ से कुछ ही दूरी पर, ज़्यादा दूर नहीं। अच्छा, ये सब बोट से हम लोग चलो भाई, सर बुला रहे हैं। अली सर ने सबको बुलाया है बोट पे जाने के लिए। हम लोग बीच में नहीं जा रहे, बोट में जा रहे, किला में आ जाइए। कुछ टीचर्स को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तो लगा कि बीच में जा रहे हैं, तो थोड़ा चेंज करने लग गया था। हम लोग का वाइस प्रिंसिपल सर अली सर सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कहाँ जाना है, कैसे टिकट करना है फोर्ट तक जाने के लिए, बोट के लिए।
सो बोट से जाने के लिए टिकट करना पड़ता है, तो टिकट काउंटर की तरफ भर ही रहा था, तो रास्ते में जाते जाते ये देखो छोटा छोटा दुकान भी दिख गया, थोड़ा कपड़े हैट वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे काउंटर भी है, छोटे शॉप्स भी है जहाँ पे आप लोग बुकिंग कर सकते हो स्कूबा डाइविंग के लिए। ये देखिए स्कूबा डाइविंग का काउंटर इधर है, और भी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह अगर करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आके आप लोग बुकिंग ले सकते हो, बुकिंग करके ये लोग गाइड कर देंगे आगे। संजीव सर वन मोर टाइम म्यूजिक लेट्स गो। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, ये गाना सही है ना अभी। और इधर और एक कोऑर्डिनेटर सर है जो मुंह फुला के बैठे हुए हैं, थोड़ा भड़के हुए हैं उनका वीडियो नहीं लेने का कारण पहले से। अरे हमारा भी कभी कभी वीडियो बनना चाहिए ना सर, हमारा भी कभी कभी वीडियो बनना चाहिए। आपको देखा ही नहीं, आप किधर हो उसको, कब से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कथकली कर रहे थे हम लोग, कथकली कथा नहीं कली कर रहा था, कथा तो हम लोग कर रहे थे। आगे वाला ये क्या होता है वो ऐसे? ये सर वो इसके लिए मतलब नॉइस रिडक्शन करता है इसमें, ऐसे कि जैसे कि अभी हवा आ रहा है। हाँ। अभी मेरा हवा का वो साउंड काट के मेरा खाली वॉइस ले लेगा ये। अच्छा उसके लिए ऐसा, नहीं तो हवा का साउंड से अपना आवाज सुनाई नहीं देता। इसको पूरा इसको क्या बोलते हैं? ये तो बोया माइक है। हाँ। और ये आपका क्या बोलता है, नॉर्मल साउंड। लेकिन वो तीन क्यों है ऐसे? शरद सर का बहुत सारा क्वेश्चन था ये माइक को लेके और वो स्टैंड को लेके, तो सभी क्लियर हो चुके हैं। वो कापूस क्या है? हाँ वो कापूस क्या है, वो कापूस का क्या मतलब है? कौन सा कापूस? ये ऊपर वाला जो कापूस है वो? ये कापूस, इसी से तो नॉइस रिडक्शन होता है। जैसे कि अभी आप कापूस के ना कट जाएगा, कापूस आएगा खाली। और ये ऑपरेशन क्यों किया आपने बता सकते हैं? सर इसका ऑपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो एक स्क्रू है वो कल रात को मुझे खोज के नहीं मिला, ये ऑपरेशन स्नेहा ने किया। डॉक्टर स्नेहा। टिकट का कितना है? आपकी टिकट ले लो। टिकट कितना बोल रहे हैं? 100 रुपये। 100 रुपये टिकट का दाम है। Don't. Thank you. Don't. तो मैंने 100 रुपए का टिकट ले लिया, 200 दिया था, 100 रुपीज रिटर्न किया। अभी बोट में चढ़ने का पहले सबको लाइफ जैकेट दे रहे हैं ये लोग, मैं भी लाइफ जैकेट पहन लेता हूँ, बहुत जरूरी है जो कि हमारे बीच हमारे सर। अब चलेंगे हम बोर्डिंग के लिए, चलो सर। थैंक यू सो मच सर। Hi everyone, the teachers of Sanjay Godhar International School are here at Malvan, and you all can see the Malvan Katta. We are at the Malvan Katta, and that is Malvan Fort, which was built during the tenure of Shivaji Maharaj to protect the whole Maratha Kingdom from the enemies which used to come by sea, mostly the Arabs and all. They used to come from the sea. Now you can see a boat over there. We all are going over there by the boat. Few of our teachers are already in the boat. ये हमारे बोट आ गए। बस आइए, वो बैलेंस कर रहे हैं। 5 मिनट जहाँ बैठना है। कैप्टन कैप्टन नेक्स्ट आप लोगों का बारी। ये हम लोग का बोट स्टार्ट हो गया है। इधर का से उधर का ही ले रहे हैं। उधर ही पूरा ध्यान है। इधर का ध्यान ही नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और ये देखो इधर वाटर स्पोर्ट्स वगैरह पूरा फुल ऑन चालू है। ये धीरे धीरे हम लोग फोर्ट के काफी नजदीक आ गए हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है बाहर से। चलो फिर अभी अंदर दिखाते हैं आप लोगों को, अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस है, चारों तरफ गुफा जैसा लग रहा है। ये देखो ए, बोट
दोनों साइड में बड़ी बड़ी दीवारें पत्थर से बना हुआ लग रहा है। और ये हनुमान जी का मंदिर, इधर में घुसते ही हनुमान जी का मंदिर है। थोड़ा प्रणाम कर लेता हूँ। जय बजरंगबली। अब अंदर तो आ गया हूँ मैं, आके ये गेट दिखा मुझे, स्वागतम का गेट लगाया हुआ है। और घुमा के आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है जो किला है, उसको घुस के ही एंट्रेंस इस तरीके से दिखता है अंदर से। नींबू पानी भैया आज कल आ रहे नींबू पानी, सब लोग अभी नींबू पानी पीने पहुंचेंगे जो देखने अभी हाफ ऑफ द स्टॉक इज बिहाइंड ऑन कितना 5 रुपए ओ तो यहां से अंदर जाने के लिए 5 रुपए चार्जेस लगता है। मेरा ले लिया है वो, मैं अभी आता हूं याद रखना शकल मेरा। हां कैमरामैन, हां क्या बोला तूने? कैमरामैन लेबू शरबत, शेफ कैमरामैन लेबू शरबत खा चीयर्स बोलो चीयर्स ऐसे नहीं टक्कर मार। हां चलो आप भी लो, आओ ले लो 1 2 3 चीयर्स। अब इनको बोले बगैर घुसने का कोशिश करता हूं, देखते हैं क्या बोलता है। लगता है पहचान गए, घुसने दे दिया, कुछ बोला नहीं है। देखो मेरा पेमेंट हो गया था, मैं इसलिए पहले आ गया, बाकी लोगों को पकड़ लिया। यहाँ घुसने के लिए 5 रुपये करके ले रहा है सबसे, ठीक है फेयर एनफ 5 रुपीज पूरा फोर्ट घूमने के लिए। शायद पता नहीं आगे जाके पता लगेगा। क्या है सर? क्या ये क्या है? अंदर सिंहासन है हमारा, शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ओके, अंदर शिवाजी महाराज का सिंहासन है। तो चलो देखते हैं, ये देखो क्या कर रहे रूबान सर। चलो देखते हैं महाराज, ये शिवाजी महाराज का सिंहासन है। ये दरवाजा लगा के रखा है, यहाँ पे लॉक्ड है दरवाजा। दरवाजे के अंदर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हुआ है शिवाजी महाराज का सिंहासन। मैम फूल खिला रहे, सिंहासन देखना हो गया हम लोग का। अभी थोड़ा आगे आया हूँ, आके ही फिर से कुछ दिखा हम लोग को, ये घर जैसा है और थोड़ा अंदर में सुरंग टाइप दिख रहा है। चलो चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है। इधर भी चप्पल उतारो और अंदर घुसो। अंदर तो आ गया हूँ, अंदर आके ये क्या कुआं जैसा है एक, अच्छा ये सुरंग है। पहले लोग जाने के लिए जो छुपे रास्ते जो रहते हैं ना, इसको रास्ता, तो उसमें से एक है ये भुयारी मार्ग, भुयारी मार्ग अंदर से। हाँ अच्छा, तो ये एक खुफिया रास्ता था ना, पहले ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे प्लेन के ऊपर कुछ तो रहता है, तो रास्ता है उसी को पता होता है। इधर एक शिवलिंग भी है, ओम नमः शिवाय। यहाँ से नीचे से वो रास्ता है क्या उधर? ये रास्ता डायरेक्ट पहुंचाएगा हमें बस के इधर, हाँ अंडर पानी के नीचे से। हाँ अगर अटैक हुआ इधर अंदर है, देखो देखो किले पे अगर अटैक हुआ तो भागेंगे से पानी में से। फिर हम लोग निकल गए और आगे यहाँ से, और किले को चारों तरफ से देखने के लिए, घूमने के लिए, आगे क्या है जानने के लिए। मैं भी जानना चाहता हूँ और क्या है इस किले में देखने लायक, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सो वीडियो देखते रहिए। और इसके बाद और एक जगह जाना है, सुनामी आइलैंड, तो वहाँ तक का वीडियो कम्प्लीट देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। यहाँ पर भी एक कुआँ है, वेल उस टाइम का, उस जमाने का ये कुआं हुआ करता था, इसमें पानी रहा करता था, पानी भरा हुआ रहता था। फिलहाल तो पानी नहीं है, सूखा हुआ है। ये अंदर से जाने का ये रास्ता दिखा दिया है सर ने, पूरा अच्छे से जाके डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कैसे जाया जाता है कुआं में। ये देखो गाइज किला, जो किला है शिवाजी महाराज का इधर, सिंधुदुर्ग किला। तो अभी ये आउटर पार्ट है शायद, तो इसी का ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। पहले जब समंदर के रास्ते से जब दुश्मनों का हमला होता था, तो उसको रोकने के लिए ये किला बनाया था शिवाजी महाराज ने।
हेलो, देख लिया आप लोगों ने? यस awesome. हो गया? ओ शिवाजी महाराज का सिंहासन देखा आप लोगों ने? यस वेरी नाइस. किला का जो साइड है उसका ऊपर आ गया हूँ मैं, ठीक ऊपर हूँ. तो नीचे ही समंदर है. सो ये किला देख के ही कैसा लग रहा है, फीलिंग्स देखो. पूरा पत्थर से बनाया हुआ है किला, देखो पूरा पत्थर का है. समंदर की लहरें देखो काफी तेज है यहाँ पे, देखो. ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर उधर से दुश्मनों को नजर रखता था कौन हमला देने वाला है. चलो ऊपर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को. हेलो सर, हो गया? ऊपर गया था ना आप लोग? हाँ ऊपर गए थे. छाता कहाँ से मिला? हमने पार किया उधर से. हाँ क्या है वो? घर से? घर से लेके आया. बस में तो दिखा नहीं, अंदर रखा था ना बैग के. बस में क्यों खोल के घूमूंगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. इधर से ऊपर जाते हैं शायद. चलो ऊपर जाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं. गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है काइंडली कमेंट कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करना. और भी कुछ है तो शायद नेक्स्ट ट्रिप में मैं दिखा सकूँ. ये और ऊंचाई में बनाया गया था ताकि यहाँ से नजर रख सके कौन हमला करने वाला है. मैम को देखो, इधर एक मैम ये पोज में, इधर है मैम. हेलो, ये देखो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से. चारों तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ. ये देखो अंदर की तरफ का व्यू है किले का, और ये बाहर. ये है मौसी. अरे इधर से भी एक खुफिया रास्ता, चलो देखते हैं अंदर क्या है. अरे हाँ, इधर से अंदर जाके, अरे वाह, इधर तो मुझे समंदर दिख रहा है. किले के नीचे से इधर एक छोटा सा रास्ता है, तो यहाँ से आके मैं समंदर के तट पर पहुँच गया. बहुत सुंदर लग रहा है. So guys, एक खास चीज मुझे अभी दिखाई दिया, ये देखिए जो स्नेल है, स्नेल्स का खोला है ये. मैं पत्थर सोच रहा था, पत्थर नहीं है ये, ये स्नेल्स का जो शेल होता है उसका ये है. सब चारों तरफ फैला हुआ है, देखिए चारों तरफ, मतलब पानी यहाँ तक रहता था पहले पहले. इसके बारे में किसी के पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ जानकारी है तो गाइस काइंडली इनबॉक्स करके या कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे. अब इनको क्या हो गया कि इतना सन्नाटा क्यों है? तो चलिए जाना नहीं है क्या? चलो सब लोग घूम फिर के आके यहीं पे बैठ गए. अभी हम लोग का हो गया, अभी यहाँ से निकलेंगे. और नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं सर? नेक्स्ट हम लोग जहाँ से वापस आए थे. आधे लोग अभी भी पीछे है हम लोग का, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे भी है. बोट आ रहा है, देखो भरा हुआ बोट. तो वापस बोट, बोट से उधर हम लोग पहाड़ों के उधर में हम लोग बस खड़े है. की खबर वेज और नॉन वेज भागा भागी हो रहा है इधर. वेज वेज मांगो का मन है पहले, नॉन वेज है पहले. नहीं नहीं अब नॉन वेज. हां आई एम नॉन वेज. हेलो हेलो गाइस, नितेश इज दुरानी पता है ना? दुरानी कौन है? फिरोज भाई. रुको भाई आगे बोलने दो ना. दो नंबर वन देखा है ना आप लोग? दो नंबर वन फैंटास्टिक मैन, यू नो ही केम फ्रॉम युगांडा. यो
फैन सो इज सम मूवमेंट मूवमेंट या मूवमेंट मी एंड माय फॉरेनर फ्रेंड इसके साथ मत घूम रहे इन फ्रेंड ऑफ साउथ अफ्रीका आई एम फ्रॉम जर्मनी जर्मनी नहीं जर्मनी जैसा तो नहीं दिखते हो सो आई फ्रॉम केम फ्रॉम अमेरिका और गुलाब जामुन दिख रहे हो अभी हां ओके गुलाब जामुन इज कॉल्ड जर्मनी वाले मलाई दिखते हैं सो अभी हम लोग यहीं पे लंच करेंगे लंच करने के लिए ही वॉक कर रहे सब लोग एक साथ सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गया तो अभी हम लोग लंच कर लेंगे लंच करने के बाद जाएंगे सुनामी आइलैंड तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं नॉनवेज रेस्टोरेंट में मैं नॉनवेज हूँ तो नॉनवेज रेस्टोरेंट में आया हूँ और आधे जो टीचर्स है वो गए हैं वेज रेस्टोरेंट में तो थोड़ी दूर में है ये रेस्टोरेंट का नाम है स्वामी रेस्टोरेंट तो यहीं पे हम लोग अभी लंच करेंगे तो भाई और उनके बनो यहाँ पे आगे स्वामी होटल प्योर नॉनवेज स्वामी होटल तो यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और लंच करने के बाद हम लोग सुनामी आइलैंड जाएंगे लेकिन वो देखने मिलेगा आप लोगों को सेकंड पार्ट में जो कि वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है सो सेकंड पार्ट मिस मत करना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है वहाँ पे क्या क्या करने वाले बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होने वाला है बहुत सारे चीज़ें करने वाले हैं हम लोग तब तक ख्याल रखिए अपना फिलहाल अभी के लिए बाय बाय